टीवी में आज हम मौजूद हैं डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर, जो कि पहले वार्ड नंबर 6 हुआ करता था, अब इसे वार्ड नंबर 26 बना दिया गया है। और यहां पर पहले परमिला जी काउंसलर थी, जो कि चंडीगढ़ की डेप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। तो हालांकि ये बात मानी जाती है कि अगर सरकार के अंदर आप डेप्यूटी मेयर भी हैं तो यहाँ पर ज़्यादा काम होना चाहिए था। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की तरफ से कि उनका डड्डू माजरा के अंदर क्या क्या कार्य करवाए गए हैं और किस वजह से उन्हें वापस यहाँ पर चुना जाना चाहिए। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप मेयर भी हैं, डेप्यूटी मेयर यहाँ से थे, तो डड्डू माजरा के अंदर हालांकि विश्वास करें तो ये कि यहाँ पर ज़्यादा काम होने चाहिए थे मुकाबले चंडीगढ़ के बाकी वार्डों से, क्योंकि डेप्यूटी मेयर यहाँ से था। तो सर, आपको लगता है कि उस हिसाब से यहाँ पर काम हुए हैं? नहीं, काम तो हुए हैं यहाँ पर, ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हुए हैं। डड्डू माजरा के मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ, लोकल हूँ, और डड्डू माजरा की जो सबसे बड़ी डिमांड रही है, जो हमेशा रही है, वो डंपिंग ग्राउंड के विषय में रही है। अब जब मैं मेयर था तो दो काम मुख्य रूप से किए थे, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के ऊपर मेरा बचपन गुजरा है, तो मेरे साथ मेरा भांजा भी और आज आम आदमी पार्टी में इसका भी घर वही है, मेरा हम दोनों का घर बराबर है। तो जो सबसे बड़ी डिमांड, जो मन की बात थी कि डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड का विकास हो, जब मैं मेयर बना तो तब डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड का प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट शुरू करने का सबसे पहले दीवार का हुआ, 33 करोड़ की लागत से बाय माइनिंग का काम अंदर चालू हो चुका है। अब इस बार हाउस के अंदर हम लोगों ने तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है, तब से चंडीगढ़ बना तब से ही ग्राउंड है। आज कई राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये पहाड़ बन गया। देखिए, कोई भी जगह है कि इसके अलावा मान लो कोई डंपिंग ग्राउंड को करने के लिए पहाड़ तो तभी बनेगा कि जब पूरे चंडीगढ़ का कूड़ा वहाँ आएगा। आज 20 साल 30 साल पहले की अपेक्षा आज जो है जनसंख्या का उतना ज़्यादा हो चुकी है, तो इसी कारण से ये पहाड़ बन गया। और जब मैं मेयर बना था तो दो काम प्रमुख रूप से, ये डंपिंग ग्राउंड की दीवार और बायमाइनिंग प्लांट। तीसरा, आज हमारे जो मेयर रविकांत शर्मा जी ने बने हैं, उन्होंने भी उसका प्लांट हम लोगों ने इसको अपग्रेड कराने के लिए जो है हाउस के अंदर ले आए और वो भी काम जल्दी हो गया। सर, ये तो डंपिंग ग्राउंड की समस्या तो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। काफ़ी चीज़ें जो अहम मानी जाती थी, उसकी सफाई हो गई या पानी की, बिजली की, ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है वार्डों के अंदर, तो उन पर बीजेपी की तरफ से क्या क्या काम करवाया? देखिए, तकरीबन मुझे नहीं लगता कोई काम यहाँ डड्डू माजरा का रह गया। रोड हुआ, लाइट हुआ, पानी हुआ, सीवरेज, सारी लाइनें पड़ चुकी हैं। और आज नहीं लगता मुझे सफाई व्यवस्था डड्डू माजरा में ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कमी देखने लायक है, और बढ़िया काम जो है फर्मिला जी के टाइम में हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं विपक्षी पार्टी से कि उनका इस पर क्या कहना है, कि क्या असल में डड्डू माजरा के अंदर ये कार्य करवाए गए हैं। सर, आप बताइए कि आप कांग्रेस की तरफ से कि डड्डू माजरा में जो इन्होंने बताया कि डंपिंग ग्राउंड की दीवार खड़ी कर दी गई है या सफाई पानी इन सब की समस्या डड्डू माजरा के अंदर अब नहीं है, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो समस्या है, आप मेरे साथ रोड पे चलिए, अभी ये हमारे मेयर साहब जो रहे हैं, पूर्व मेयर राजेश कालिया जी, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ही शानदार और सुंदर कार्य हैं। आप यहाँ से जाइएगा सीधा और वहाँ पे रोड पे देखिएगा, इतना ऊपर जहाँ पे जो नाला होता है सीवरेज का वो बाहर है, उससे कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, टांगे टूट चुकी हैं यहाँ पे। ये फर्मिला जी के टाइम में काम हुए हैं, वो इतने बाहर है, वो 10-15 एक ही रोड पे हैं, वो आज तक फर्मिला जी को नहीं दिखे। और दूसरी बात, फर्मिला जी ने कल एक इंटरव्यू में देख रहा था फर्मिला जी का, उन्होंने कहा कि ये डंपिंग ग्राउंड की जो दीवार है मैंने बनवाई है। मेयर साहब कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में काम हुआ ये, तो इनमें आपस में वो है कि तालमेल ही नहीं है। नहीं समझ रहे हैं कि एक चीज को करने में मेयर है 5 साल के लिए, काउंसलर है, और मेयर साहब 1 साल के लिए आता है। मेरे कार्यकाल के अंदर जो चीज शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली काउंसलर के उसमें अकाउंट होगी, तो इसमें फर्मिला जी क्या गलत कर रही है? कांग्रेस वालों को नहीं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई धर्मवीर यहाँ कॉलोनी का निवासी नहीं है, एक बात, इसको यहाँ की समस्याओं के विषय में नहीं पता। दूसरी बात, मुझे नहीं पता किन आंकड़ों के तहत ये बातें बता रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया। इनका जो है अभाव है, कमी है बातों की, पूरी तरीके से अगर जो स्टडी करता कॉलोनी के अंदर जो रहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि काम हुए या नहीं हुए। परमिला, अब ये बात तो जुमले वाली बात होगी कि जी परमिला कहती मैंने काम किया, जाहिर सी बात है मेरे टाइम में जो काम हुआ ही नहीं ना, मेरे टाइम के अंदर जो काम होगा। सर चलिए, मेरी बात पूरी हो गई, आपने तो एक कमी गिनाई थी, उस पर मेयर साहब थोड़ा भड़क गए। मेयर साहब का तो दूसरा मुद्दा उड़ गया बाहरी, मेयर साहब भी बाहरी थे मुलोए में, इन्होंने वहाँ क्या काम किया? अगर इनकी वार्ड को देखें तो इन्होंने वहाँ क्या काम किया? स्कूल अच्छे नहीं है, डिस्पेंसरी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, सरकारी सरकारी प्रॉपर्टी को आप अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, उस पर कुछ भी लगा देते हो,
उसका कोई पालन नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने सिर्फ एक नीति अपना रखी है कि जोर से बोलना और अपनी बात को जोर से रखना, वही सच है, सच सच रहता है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी कितना कितना गंद पड़ा है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पे ले जा करके। आप यहाँ पे सर्वे करिए, गए भाई साहब कह रहे हैं यहाँ नहीं रहा, मैं 10 साल यहीं पे रहा हूँ और 635 नंबर मेरा मकान नंबर है। और भाई साहब तो ये मतलब तर्क वितर्क करते रहेंगे भी चलेगा, क्योंकि राजनीतिक दल से हैं। और दूसरी बात ये है कि आज की जो स्थिति डड्डू माजरा की है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अस्थमा की। जो आप यहाँ पे सर्वे कीजिए, सबसे ज़्यादा अस्थमा के लोग यहाँ पे मिलेंगे। वो किसके कारण है? सिर्फ डंपिंग ग्राउंड के कारण। डंपिंग ग्राउंड था लेकिन इतना नहीं था कि इनके राज में आज सफाई व्यवस्था 66वें नंबर पे आके शहर की टिक गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार ने बताया, आप मीडिया ने बताया हमारे को कि 66वें नंबर पे आया। जब कांग्रेस का राज था, हरफूल चंद्र कल्याण जी हमारे मेयर थे कांग्रेस के, उस टाइम पे एक नंबर पे आया और अवार्ड मिला उनको। कितने शहर के अंदर? सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, ऐसा है। और दूसरी बात, उनके बावजूद जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने सफाई की व्यवस्था जो है उलवाइंस कंपनी को दे दी गई। जो 1 करोड़ में काम होता था वो 4 करोड़ में होने लग गया, उसमें भी घपला शुरू हो गया। तो इनकी जो काम करने का तरीका है ना, वो अपने आप को गिनवाना, ज्यादा बड़ा बताना, वो ठीक नहीं है। यहाँ की समस्या जो है लोकल लोगों की, लोकल लोग आज आप यहाँ से गुजर, जब बारिश पड़ेगी तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ की जो समस्या है, भाई साहब वहाँ रहे 5 साल, अब भाई साहब भी बाहर के हो गए हैं, जुझारनगर रहने लग गए हैं। इन्होंने वहाँ पे घर बना लिया, कोठी, 2 साल से वहीं पे रह रहे हैं। शायद ये भी यहाँ के नहीं है, अब लोकल नहीं है ये। तो इसलिए यहाँ की जो समस्या है, हम रोज डेली यहाँ पे आते हैं, कांग्रेस के वर्कर हमारे मौजूदा यहाँ पे जितनी बड़ी टीम कांग्रेस की है वो सारी यहाँ पे खड़ी है। कुछ लोग हमारे अभी और आ रहे हैं, तो जो कैंडिडेट भी हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। वो समस्या जो है यहाँ पे, जो लोगों की समस्या, मेन समस्या जो है यहाँ पे, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पे डड्डू माजरा के अंदर। यहाँ पर मैडम, यहाँ पे जो से बदतर हालात हो चुके हैं, भाई को शायद एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर बद से बदतर हालात हो चुके हैं इस टाइम 5 साल के अंदर। ना यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम सही हो चुकी है, ना पानी का पाइपलाइन जो बिछाया है वो सीवरेज की पाइप के लाइन के साथ है। और सीवरेज का जो सीवरेज के साथ जो अटैच होकर पानी का आता है उसमें दुर्गंध आती है। ना यहाँ सफाई व्यवस्था है। और रही बात डंपिंग ग्राउंड की, पिछले 5 सालों में इतनी ग्राउंड डंपिंग ग्राउंड ने तरक्की नहीं की हुई जितनी अब कर ली। और यही टेंडर जो मेयर साहब के कार्यकाल में लगा 33 करोड़ कुछ समथिंग का था, वही सेम टेंडर मोहाली के अंदर 4 करोड़ में लगा। ये भी हमें अखबारों के माध्यम से पता लगा। यहाँ पर भी इन्होंने पता नहीं किस तरह से टेंडर दिया, किस तरह से नहीं। लॉयंस कंपनी को जो टेंडर दिया गया वो पर्सनली स्वार्थ के लिए दिया गया। जब से मतलब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है ना, तब से ही पूरे चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क हो चुका है। और मेरी अगर वार्ड की बात की जाए, वार्ड नंबर पहले 6 था, अब 26 हो चुका है। यहाँ पर मैडम ने, परमीना जी ने कोई भी काम नहीं किया। किसी भी पब्लिक आम जनता से पूछा तो कोई भी काम नहीं किया। मैं RW प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ से। कई बार रिक्वेस्ट की गई, लाइटें खराब पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, डार्क स्पॉट बहुत हैं, यहाँ पार्कों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। आप देख ही रहे हैं, अपना सफाई है ना, और कुछ घास कटाई होती है। मतलब बद से बदतर हालात हो चुके हैं। आज ये दीवार खड़ी कर दी, मेरा घर चंद कदमों की दूरी है। आप मेरे घर पर जाके देखो तो मेरे तो बस, मेरे डैडी भी अस्थमा की प्रॉब्लम से अटैक होकर चले गए हैं। बट इन्होंने आज तक उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। डंपिंग को हटाने की बात से भी करते हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस भी। पहले कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही, फिर बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, लेकिन डंपिंग के बारे में किसी ने नहीं सोचा मैडम। और हमेशा लोगों को गुमराह किया गया है, गुमराह करके ही उसी पार्टी में थे, कांग्रेस में ही थे, पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। इस चीज पे एक सवाल है कि आपने बोला कि कांग्रेस ने भी कोई कार्य नहीं करवाया डंपिंग ग्राउंड को लेकर, ना बीजेपी ने करवाया, तो सर आपने क्या सोचा है इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर? क्योंकि हालांकि देखा जा रहा है एक पहाड़ है, अगर इसको हम शिफ्ट भी कराते हैं तो ये चीज आसान नहीं रहेगी। तो आप क्या सोचा है कि कहां पर आप इसको शिफ्ट करवाएंगे? आप अगर सत्ता में आती है किस प्रकार से इसको रिन्यू कराएंगे? इसके लिए मैडम हमारा वैसे तो एग्जिट प्लान है कि हमने ये पहले सोचा है कि जो पहाड़ बन चुका है एकदम तो उठाया नहीं जाएगा, कोई हनुमान तो आएगा नहीं ना जी सर। तो हमने क्या करना है, जो पहले JP प्लांट इन्होंने बंद कर दिया, वो अपने MC ने अपने अंदर लिया और बंद कर दिया, वो काम ही नहीं कर रहा। पहले तो उसकी मशीनें अपग्रेड होनी चाहिए, कम से कम जो कूड़ा अब आ रहा लेटेस्ट वो तो वहाँ पर हो, सिंडिकेट हो, वो नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो ये कूड़ा पड़ा है इसे भी द्वारा हम जो अभी प्लांट लगाया मेयर साहब के टाइम में उसी प्लांट को दोबारा से इधर भी शिफ्ट किया जाएगा। जो प्लांट इन्होंने सही तरीके से नहीं लगाया उस प्लांट को सही तरीके से लगाया जाएगा और कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। सर एक सवाल, जैसे कि दिल्ली के अंदर आम पार्टी है पर काफी चीजों के अंदर केजरीवाल जी भी ये बोलते नजर आए कि सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं है,
तो हम दिल्ली के अंदर हमें दिक्कतें होती है कार्य कराने के अंदर, तो वो सीएम रह के भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। अब भी सेंट्रल के अंदर बीजेपी की सरकार है, आप बोल रहे हैं बीजेपी ने डंपिंग ग्राउंड का कुछ नहीं करवाया, तो जब आप सत्ता में आएंगे तो हालांकि सेंट्रल में बीजेपी है तो दिक्कतें उस वक्त भी आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर दें कि सेंट्रल से हमें कुछ मदद नहीं मिल रही इसलिए हम अब डंपिंग ग्राउंड का कुछ नहीं करा सकते। मैडम ऐसा है, एमसी के अंदर जो काम आता है, जो म्यूनसिपल वर्किंग के अंदर जो काम आता है, उस पर आम आदमी पार्टी हर तरह से वर्क करेगी और ग्राउंड लेवल से मुड़ के काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हम जो अगर हमारा डंपिंग ग्राउंड हमारे अंडर आता है तो इसे हटाने के लिए पूरा जोर दिया जाएगा। हमारी सत्ता में आते हैं और हमारा मेयर बनता है तो मैं लिख के क्या, हमारा गारंटी कार्ड छपे हुए, वैसे हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि हम इस कूड़े का निस्तारण करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। और रही बात सेंटर में, अगर बीजेपी है हमें सेंटर से भी कुछ नहीं लेना देना, हम तो एमसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एमसी में जो कार्य होते हैं वो कार्य को हम पूर्णता अपने परिणाम स्वरूप पूरा गारंटी देते हैं कि उसे पूरा किया जाएगा। केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा ही नहीं है जी। कारण क्या है कि आज मैंने एक अखबार में पढ़ रहा था, ऐसे तो 15 लाख के वादे किए गए थे, ऐसे तो 15 लाख के वादे किए गए थे। मैं कहूँ अगर मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है, पंजाब की लेडीज तो उसके अंदर सिंपल सी बात है कि पहले दिल्ली वाली लेडीजों को तो दे ले, वो 20,000 लीटर पानी की गारंटी देते हैं, लेकिन ये लोगों को बताने की जरूरत है कि 20,000 एक यदि हो गया तो वो 24 रुपये पर लीटर के हिसाब से पिछला जो है पानी का बिल आ जाएगा। तो ये झूठे लुभावने जो वायदे कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है मैडम? पानी की बचत होगी ना इसमें, 20,000 का 20,000 ये जो पानी का मुद्दा भाई साहब बता रहे हैं बीजेपी से, ये पानी का जो मुद्दा है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया, हमने धरना दिया, प्रदर्शन करा और अंदर तक गए हम लोग पानी के मुद्दे को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं करा क्योंकि इन्होंने एक प्रदर्शन भी नहीं किया पानी को लेके। क्या मतलब समस्या कहाँ उठाएंगे? समस्या उठाई नहीं, ये समस्या नहीं उठा सकते। यहाँ पे अगर किसी का विरोध करना है सिर्फ कांग्रेस पार्टी दौड़ में है और बीजेपी से मुकाबला आम आदमी तो दौड़ में ही नहीं है। क्या बीजेपी पार्टी ने 180 दिन में कचरा समाप्त करने के लिए कहा था वो हुआ और कहते अच्छे दिन आएंगे? 33 करोड़ बायो मनी नाम पर खर्च कर दिया गया मगर कचरे का निजात नहीं दिलाया गया। थीम पार्क नष्ट कर कचरे का मैदान बना दिया गया। 16 फुट की दीवार बनाकर उसके पीछे 20 फुट ऊंचे कचरे के ढेर लगा दिए गए, जहां से डड्डू माजरा प्रवेश करने में उसके सामने कचरा केंद्र यानी कचरा इकट्ठा मैदान बनाने का शेड बनाकर तैयार कर दिया गया। ठीक है जी, इसी के आसपास मरे हुए जानवरों का प्लांट लगाने की योजना बना चुकी गाँव डड्डू माजरा कॉलोनी की सड़कों की हालत जर्जर पर हुई पड़ी है। जज्जर यानी कि जज्जर हुई पंजाबी दादा जी, गलियों के सीवरेज के ढक्कन कहीं ऊपर कहीं नीचे हैं। जो दुख है सानू कॉलोनी नहीं, मैंने दुख है जो सानू कॉलोनी वाले नु दुख है जी, कॉलोनी वाले ये दुख दस रहे हैं सिर्फ कॉलोनी का ये दुख है जी, ये डड्डू माजरा वासियों का हिमाचल का दुख है। मैं झूठा नहीं, सच्चा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं झूठा नहीं, ये कांग्रेस का लीडर, मैं आपको डड्डू माजरा मेरे साथ चलिए अंदर घर से, बीजेपी बोलती है और यहां बायो मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, सारा कुछ बंद रहा, आप मेरे साथ चलिए, यहां पर काम हो रहा है। ऐसा है मैम, ऐसा है कि ये जो समस्या है हमारे मदनलाल मद्दी जी हैं जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं लोकल, और इन्होंने जो है पूरी समस्या का मतलब हमने सबने बैठ के ये बनाया और पूरा मरे देखिए सामने आपके इन्हें 160 दिन की बात करें, हम लोगों ने यहाँ पर 160 दिन के अंदर बायमाइनिंग का प्लांट लगा दिया, आज ये बात कर रहा मरे हुआ प्लांट, आप प्लांट से निजात तो नहीं ना मिली, प्लांट लगाइए आप 500 करोड़ का लुभावने वाले देखे आपको, और ये फिर से आपने 15 लाख रुपए का लुभावना दिया था। ये चीजें हैं, देखिए काला धन लाने की बात, पिछली कॉर्पोरेशन में इन्होंने एक एजेंडा पास किया कि आपको सबको मकान मिलेंगे किराएदारों को, याद है आपको वो मकान के पैसे कहाँ हैं जो लोगों ने जमा कराए थे किराएदारों ने, और इन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया बीजेपी ने। अब शायद मेरे भाई को ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारों को वो मोहन बंसल जी की बहन थी, वो मकान
पवन कुमार बंसल जी ने वो सारी प्रूफ कराई और सारा जाके वहाँ पे वो दिया। 5 साल सुनिए सुनिए बंसल कांग्रेस ने वो मकान उनको देने के लिए बनाए थे, इन्होंने किराए पे चढ़ा दिए वो मकान। देखिए पवन कुमार बंसल की बात करें, रेल घोटाले में आया वो मंत्रालय उससे चुना गया, आज भी ये भाजपा नेता जेल में रहे हैं। चाहे प्रदीप चावड़ा जी की बात करूं, सुभाष चावड़ा जी की बात करूं, ये सारे जेलों में से आए हैं। बबला जी की बात करूं, हमारे किसी नेता के ऊपर आज तक ऐसा एलिगेशन नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, भाई साहब के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। सुनिए ये जो लोग बेचारे कूड़ा उठाते थे घरों से, इन्होंने उनको भी बेच दिया, ठीक है ना, उनको भी बेच दिया बीजेपी ने, बीजेपी ने बिल्कुल आप सामाजिक तौर पर सुनिए, पूछिए ये मेरा भाई जो बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, ऐसे आज उन लोगों को 35,000 रुपया तनख्वाह, झूठ बिल्कुल झूठ, जो झूठ बोलते हैं 8,000 रुपए इनको मिलते हैं बेचारों को, और बड़े ये किसकी देन थी? ठीक कर रहा मेरा भाई, 8,000 इनका एक लीडर है सेक्टर 21 में बलजिंदर बिट्टू। सुनिए मैडम, सुनिए सुनिए भाई, सुनने की क्षमता, फास्ट वेक का प्रधान है बलजिंदर बिट्टू और कांग्रेस समर्पित है, मेरा भाई भी वहां गया था। उन लोगों को वो पहले 4,000 रुपए देता था, शोषण जहां असली कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जोर मारा तो उनको चुरा, इन्होंने ज्यादा शोषण कर दिया, उससे डबल शोषण कर दिया, उनकी रोजी रोटी घोंस ली। सर जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये डंपिंग ग्राउंड आप हर वक्त ये कह देते हो कांग्रेस की देन है, मैं क्लियर बात करता हूँ, कांग्रेस की देन है, गुस्सा तो नहीं करोगे अभी जवाब ये देख लो, हाँ जवाब देना, आप कहते हो कांग्रेस की देन है, शायद मेरे भाई पीछे खड़े हाउसिंग बोर्ड वालों को सबको पता है कि जब डंपिंग ग्राउंड बना था बंसल साहब ने इसको रिजेक्ट करा दिया था, बंद करवा दिया था, यहाँ डड्डू माजरा में जो वहाँ वर्कर वो काम करते थे लोग 300, शायद मैं मुन्नीलाल को नहीं जानता पर मुन्नीलाल है पता नहीं कौन है मेरे को नहीं पता, मुन्नीलाल जी अपना एडवाइजर के पास गया, डीसी साहब एडवाइजर के पास गया 300 बंदे का साइन करवा के कि यहाँ पर हमारी रोजी रोटी है, वो मुन्नीलाल शायद अब मेरे को लगता है बीजेपी या कांग्रेस में ये जीएसटी जान गया, पूरा हो गया ना, व्यक्तिगत नहीं, तो ये देना इन लोगों के, मैं तो क्लियर करूंगा, आज मैं सरेआम कहूंगा, क्योंकि इस बात पे धमकाया जाता है बीजेपी की, जो सच्चाई है वो दबाई जाती है बीजेपी की, ये देन बीजेपी की है ना कि कांग्रेस की है, ये मैं दावा ठोकता हूँ इस बात पर, जो गल हैगी वो हैगी है, जो गल है इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करा के अपने घर के पास कूड़ा, बीजेपी देने नहीं नहीं, कॉमन सेंस इन लोगों को ये नहीं पता कि यार कूड़ा तो डलना ही है शहर की एक साइड, तो फिर यहीं पर डलवाना था आपने, वहाँ कांग्रेस ने 300 आदमी की आकर जो पूरे शहर के विषय में सोचता तो बंसल जी 300 वो यहाँ से कमाई है, जो भी मेयर आता है ना यहाँ वो सबसे डंपिंग ग्राउंड की बात करता है, जब उसको पता लगता है अभी यहाँ खाने का माल मिलेगा, यहाँ खाने के लिए पैसा मिलेगा, तो इस करके ये इसको बाद में भूल जाते हैं। पर मतलब चाहे कांग्रेस आएगी चाहे बीजेपी, ये डंपिंग ग्राउंड की समस्या डड्डू माजरा के लोगों को देखनी ही देखनी पड़ेगी। मैडम जो 5 साल में लोगों के अच्छे मैडम देखिए पिछली बात ठीक करे कका जी, आप बताएं जो मैडम का सवाल है बेहतरीन है, ठीक आम आदमी की तरह बताएं, मैं आम आदमी की तरह बोल रहा हूँ, पर्सनल है कांग्रेस का, राजनीति नहीं कोई, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है जब से ये बीजेपी सरकार आई ना तब से बुरा हाल है हमारा,
कांग्रेस के टाइम में अच्छा था, आप ये बता दे कांग्रेस के टाइम में अच्छा था क्या? डंपिंग ग्राउंड तो कभी था, आप सिर्फ इतना बताएं कांग्रेस के टाइम में अच्छा था क्या? पार्कों का बुरा हाल है, पार्क आज भी साफ सुथरी है, देखे मैं मेंटेनेंस का काम आ रहा हूं। ये दिखाता हूँ मैं, इनकी जो एमपी है मैडम किरण खेर वो कहाँ पे है? बीमार है, अभी बीमार है, अब ये बीमारी का बहाना लगा रहे हैं, देखते हैं ये लोग जज बनी है, पक्के वासी है, ऐसा नहीं है मैडम बीमार है, वो गेस्ट मैडम बीमार है, वो शो कर रही है, शो कर रही है, शो नहीं कर रही है, अभी तो बीमारी है, आने वाले टाइम में समस्याओं के लिए चल रही है, आ रही है मैडम यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, हमारे साथ ये देखो पार्क है, चूहे इतने इसमें, कोई ये पार्क है जी, बीजेपी, ये बीजेपी वाले मेरे भाई है, मेरे भी रह चुके हैं यहाँ के, ये देखो दावा मैडम, बीजेपी का दावा, ये बात ये दिखा रहे हैं, ये देखो बीजेपी के दावा, ये हालत है, बीजेपी के हालत है, आपने यहाँ पर वैसे ऊपर फोटो खिंचवाई थी, यहाँ पर मैंने काम करवाया, बढ़िया कर रहा है, पार्क नहीं पार्क था, काम है, कहा था मैडम, इनके जो एम पी यहाँ पे है मैडम, इनकी किरण खैर उसको पता ही नहीं है शहर में हो क्या रहा है, ठीक है, शहर कोई और चला रहा है, तो इनका चला रहा है, ये चल रहा है बाहर आ जाओ सर, ये कट्टे देखो इधर साइड में, आप ये जो मैं इधर मारो कैमरा, ये देखो खड्डे को क्या हाल है, चाहे जैसे पूरा किचन होता सारा पानी जितना बाहर आ रहा है सारा किचन बाहर आ रहा है, एक नॉर्मल बात है कि एक चीज यहाँ पे पाइप जा रही है, पहली तो बात मैडम ये यहाँ पे काउंसलर नहीं थे, देखिए इनका कोई कसूर नहीं है, जो यहाँ काम नहीं हुआ किसी को पता ही नहीं है, ये मुलायम से काउंसलर थे, आप शीला उसको को बुलाइए, प्रमिला जी को, तो आपको पता चलता कि कोई बच्चा यहाँ से निकल नहीं सकता था, इतना पानी जमा हो गया, नहीं आप बरसात का पानी यहाँ से निकल नहीं सकता, पड़ोसी पड़ोसियों की लड़ाई होती है बरसात का पानी, एक्सीडेंट हुआ बंदा मर गया, बाहर ले वहाँ देखिए आप मैडम, वहाँ देखिए वो देखिए थोड़ा सा आगे जाके देखिए ना, नजदीक देखिए आप, कितने ये भाई साहब की ये जी सुनिए आप अपनी से टाइम है हाल लीजिएगा जी, जिला होना यहाँ पे हमारी कौंसलर नहीं है, बच्चों के आधार कार्ड रहने, ये कौंसलर कहाँ के ये बने हुए हैं, करूँगा साइन, कैसे करोगे, हमारी कौंसलर कहाँ है, मुद्दे बहुत है यहाँ पे, कांग्रेस ने आके खुल जाओ जी, खुल जाओ ना, खुल जाओ खुल जाओ, कांग्रेस एंडिंग करो, मैम एंडिंग करो, एंडिंग करो में चार चार लगे।
12 साल में इनकी पार्क में बल्ब नहीं लगे हैं, आज इनके एंडिंग रोड पड़े हैं, आज यहाँ पे जैसे ये स्नाइपर है, जहाँ जो पड़ा वो पड़ा है, सफाई नहीं करी उन्होंने पार्कों में, इतना गंद पड़ा है। जिस घर का कोई मालिक नहीं ना होता वो ऐसे ही होता है। मैं एंडिंग करूँ आज के लिए, जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से काफी दावे किए गए थे, मगर कांग्रेस और आम आदमी ने सबको नकारते हुए कह दिया कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए आज प्रकाश टीवी के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।